आज काफ़ी सारी मिठाई का हम एनालिसिस कर रहे हैं, और हमने अभी मदुरई के लिए एक पंजामृतम आता है वहाँ का प्रसाद, उसको 90 दिन की सेल्फ लाइफ जो है प्रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू दिया है। और बाकी जो है इस तरह की ये जो है जिसमें मिल्क ज़्यादा होता है, जैसे कौन कौन सी है अपने पास में, पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट प्लाजा, पाइनएप्पल ड्राई व्हाइट फ्रूट ड्राई फ्रूट प्लाजा ये बासुंदी, वाला है, और व्हाइट ड्राई फ्रूट बासुंदी, केसर हाँ ड्राई फ्रूट बासुंदी, व्हाइट ड्राई फ्रूट रस माधुरी, केसर ड्राई फ्रूट रस माधुरी, कलकत्ती रस मलाई, बटर स्कॉच ड्राई फ्रूट रबड़ी, पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट प्लाजा, ग्रीन एप्पल रबड़ी, मैंगो की। तो ये जो सारी मिठाई है ना, वो जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रिजर्वेशन सिस्टम, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी जो ग्रोथ होती है वो पीएच के बेस पे होती है। तो आपको कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है जिसमें हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, तो हमारे पास में अभी 7 तरह की मिठाई की कैटेगरी है। बोलता कौन कौन सी कैटेगरी अभी हमारे पास, एक पेंडा, पेंडा की जो कैटेगरी है ना उसमें हमारे पास में ये वाली है जो सारा पेंडा है, मतलब पेंडा की कैटेगरी के लिए एक ही तरह का प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। जैसे ये है हमारे पास में रजवाड़ी पेंडा, ठीक है, और ये एक चॉकलेट पेंडा है, और ये जो है वो वाइट पेंडा जिसको बोलते हैं वो है, और ये मथुरा का, मथुरा में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर आते हैं तो वो लेके जाते हैं मथुरा का पेंडा, और ये अपना मावा का पेंडा है जो पहले खूब खाया जाता था, और अपना ये है केसर का पेंडा। तो इस तरह से पेंडे के लिए हमारी जितनी भी होगा वो सिर्फ एक ही प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी होगी जो पेंडे में हम लोग डाल सकते हैं। और ये जो है दूसरी एक कैटेगरी है, ये वाली कौन सी कैटेगरी है अपनी, गुलाब जामुन, और वो एक बेसन एंड घी स्वीट्स। हाँ ये जो है ना ये जनरली घी की और वो सारी स्वीट्स है, जैसे कि इसमें एक है मोहन थाल, ये है अपना गुलाब जामुन, और ये अपना मोहन थाल है, और ये अपना चूरमा का लड्डू है जो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी खाया जाता है, और ये भी राजस्थान की आइटम है लेकिन मलाई घेवर है ये, और ये इमरती है, और बाकी एक ये जो है घाटी पेंडा है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो कैटेगरी है वो एक अलग कैटेगरी है, जैसे ये एक है मगज का लड्डू, ये सिर्फ बेसन घी और चीनी से बनता है, और ये गुजरात का खास स्पेशल आइटम है। ये है स्वीट घूगरा, स्वीट घूगरा, वैसे घूगरा जो है वो जनरली राजस्थान में काफ़ी खाया जाता है, और वो जो है अलग है, और ये है स्वीटनेस इसमें है, और ये अपना मोस्ट फेमस मोतीचूर का लड्डू। ये जो सारी चीज़ें जिसमें बेसन है, तो इस कैटेगरी के लिए हमें एक अलग से प्रिजर्वेटिव का एक कंपोजिशन बनाना पड़ता है, और उस कंपोजिशन में क्या होता है कि हम लोग इनकी सबकी पीएच चेक करने के बाद में हम कैटेगरी वाइज जो है हम प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ करना है वो हम देखते हैं। और एक हमारी पास कैटेगरी है ये वाली, कौन सी श्रीखंड कैटेगरी, एंड मठो, जैसे ये है मट्ठा और श्रीखंड, मतलब जनरली ये जो सारी प्रोडक्ट है ना इनकी पीएच काफ़ी कम होती है दूसरों की तुलना में, तो हमें उसमें आप पेंडा वाला प्रिजर्वेटिव जो है वो इसमें यूज़ नहीं हो सकता, अगर इसमें आप करोगे तो आपको 50% रिजल्ट ही मिलेगा। इसकी कैटेगरी में आपको बताता हूँ कि जैसे ये है हमारा मिक्स फ्रूट श्रीखंड, ये हमारा है वाइट श्रीखंड, जिस ये प्योर वाइट ही रहता है, सिर्फ ऊपर ड्राई फ्रूट लगा रहता है, और ये अपना काजू गुलकंद श्रीखंड, और ये है अमेरिकन ड्राई फ्रूट श्रीखंड, और ये अपना है केसर मट्ठा, और ये अपना वेनिला ड्राई फ्रूट श्रीखंड, ये मोस्ट फेमस बटर स्कॉच श्रीखंड, और ये है सिर्फ केसर श्रीखंड, और ये है अपना पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट श्रीखंड, ये है इलायची ड्राई फ्रूट श्रीखंड, ये है मैंगो श्रीखंड, ये है पाइनएप्पल मट्ठा, और ये